Welcome to my channel, Motive Kids. Sparks mind and ignite dreams. If you like the video, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Happy watching! मुंबई ने दी विदाई वर्टिकल बार। मुंबई ने अपनी प्रतिष्ठित लाल डबल डेकर बसों को अलविदा कह दिया है और खोल दिया है डबल डेकर बसें, जो शहर की जनता का अभिन्न अंग थीं परिवहन प्रणाली। उन्हें सड़कों से हटा दिया गया क्योंकि वे अपने जीवन काल के अंत तक पहुंच चुके थे। शुरू की 1937 में उन्होंने 80 से अधिक वर्षों तक शहर की सड़कों की शोभा बढ़ाई थी। एक बार उनकी संख्या 900 के करीब थी, लेकिन 90 के दशक के मध्य तक वे कई कारणों से घटकर केवल कुछ ही रह गईं। कारण, उनके रखरखाव की उच्च लागत उनमें से एक है। कई मुंबईकरों के लिए ये डीजल से चलने वाली बसें उनकी यादें संजोकर रखती हैं अतीत। खुली डबल डेकर बसें पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने वाली बसों के रूप में काम करती थीं। विकल्प के रूप में शहर में नई बैटरी चालित काली और लाल डबल डेकर बसें शुरू की गई हैं। क्या आप जानते हैं, मुंबई की डबल डेकर बसें वन बीएस्ट बसों बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन के रूप में जानी जाती है। इन्हें ब्रिटिशों द्वारा लंदन के डबल डेकर के आधार पर पेश किया गया था। टू खुली डबल डेकर बसों में यात्रियों को जाने के लिए सीढ़ियां होती थीं, ऊपरी डेक। थ्री ओपन डेक बसों को छोटे छोटे कार्यों के लिए किराए पर लिया जाता था और उनका उपयोग भी किया जाता था 2011 में विश्व कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की परेड।